ना मैं 50 रुपए लेता हूँ गीली पपड़ी के लिए। इसमें ना पाल के बहुत भेद खोले। इसको बोलते हैं एहसान फरमोश। काम करूंगा बाबू का नाम करूंगा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात के बज गए भैया 8। तो अभी हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू देने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और 2-3 और मेरे इंटरव्यू यहाँ प्लान है, तो पहले जहाँ पे जा रहे हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। तो भाई यहाँ पे जो मोहतरमा है हमारी पूरी रेडी हो गई है। और पीछे वाली मोहतरमा क्या रह गया गोलू तेरा? फटाफट आ जाओ यार, बड़ा लेट करते हैं बच्चे, इतने निकम्मे बच्चे हैं। शायद इतनी लेट कोई नहीं करता जितनी गोलू और पायल करते हैं। भाई फिलहाल हम लोग रेडी शेडी होके निकल लिए हैं। आज तो हमने आने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और जबकि हम सुबह घर से 11 बजे के निकले हुए हैं, तो हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। मैंने कहा जो काम करने आए वो काम कर लेते हैं, रेस्ट तो हम घर पे जाके कर लेंगे। तो आप ये व्लॉग देख रहे हैं 14 तारीख को 2 बजे, तो मैं उस टाइम मुंबई में हूँगा। तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, जिस जिसको भी मिलना है, मीटअप डालूंगा छोटा सा प्यारा सा, तो आप आ जाना, सब लोग वहीं पे मिलेंगे। हम क्या बोलते हैं गुरु जी? बिल्कुल सही बात है। और देखो अच्छा लगता है जितने भी लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे मिल सके तो मजा आएगा। कौन सा बीच है बता? हम है जू बीच नव होटल। हाँ तो होटल में तो अंदर एंट्री नहीं होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको 12 बजे आना नव होटल के बीच पे, वहीं पे नहाते हुए मिलेंगे आपको, थोड़ा घूमते हुए मिलेंगे, मस्ती करते हुए मिलेंगे। तो जिस जिसको भी आना है तो आप वहाँ पहुँच जाओ। तो गोलू और पायल को ने ये समझा रहा था, ये वाले चश्मे नाइट के होते हैं, जो तूने लगाए नाइट के होते हैं, दिन के चश्मे अलग होते हैं, पर तुम दिन में भी ये लगा रहे। लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी, मैं एयरपोर्ट पे गई थी ना, तो मैंने ना अपने डे वाले शेड्स लगाए थे, बोले वहाँ मुझे इतना अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, फिर मैं सोची उतारू, तो मैंने सोचा डे लगा लेती हूँ। तो भाई सच में ना मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हो गया है, और तो गर्मी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। और आज ना पायल को मैं यहाँ पे गुंडी पान खिलाने वाला हूँ। पायल गुंडी पान हमने लास्ट टाइम यही खाया था। फर्स्ट टाइम तो भाई मुंबई में पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं गोलू। और वही ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है यहाँ पे, हर सेकंड में ट्रैफिक, हर सेकंड पर दिल्ली से कम है मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली तो देखो भाई, दिल्ली तो मशहूर है ट्रैफिक के काम में, एटलीस्ट गाड़ी हिल तो रही है। दिल्ली में तो एक एक घंटा आधा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है रेड लाइट पे, और ऊपर से मौसम भी अच्छा है यहाँ पे। तो हमेशा ही ना कमेंट में मुझे ये सुनने को मिलता है कि अरमान भाई तुम्हारी जो आवाज है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। अब यार जिसकी 2 बीवियां हो उसकी आवाज तेज कैसे हो जाएगी है भाई? मैं तो भाई इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। पायल तू कुछ बोलना चाहेगी? नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं। तो एक कमेंट तो जरूर आएगा ना कि गोलू को आगे बिठा रहेगा, पायल पीछे बैठी है। इसलिए आगे बैठी हूँ क्योंकि मैं गूगल मैप्स चला रही हूँ, और पायल पीछे जाके बैठ गई ताकि पायल को गूगल मैप्स ना चलाना पड़े। एम आई राइट पायल? राइट, मैं इसको समझती हूँ दिल से। तो भाई मुंबई सपनों की नगरी तो है ही है, उसके साथ पार्किंग नहीं है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, जितनी चमकदार दिखती उतनी चमकदार है भी नहीं भाई, है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, दिक्कत बड़ी है। तो ट्रैफिक की भी, चलो ट्रैफिक तो हर शहर में होता है, पार्किंग की भी दिक्कत है। लिफ्ट के साथ साथ क्या ना रोडों को इतना ज्यादा गंद है भैया, हम तो लगा लो अपने दिल्ली चंडीगढ़ देख के इतना खुश है ना, इतनी गंदगी है रोडों में कुछ हो रहा। भाई इंटरव्यू से पहले हम इतना ज्यादा थक गए हैं, बस अभी होटल जाके आराम करेंगे। और शायद हम 15 तारीख सुबह निकले यहाँ से ना। हाँ क्योंकि कल हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है, वहाँ भी हमारा ये पॉडकास्ट है, भारती बहन से मिलना है, जोगिंदर और पुनीत से मिल लिए, और बहुत सारे लोगों से मिलना है ना। संभावना बहन वो बाहर गई है, उससे मिलना था मेरा। हाँ उनसे भी मिलना था, बट भैया ना काम जरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या पता हमारे तक वो आ जाए तो मिलेंगे उनसे। तो भाई एक आवाज गैस करनी है आप लोगों को, तो पीछे से आवाज आएगी तो भाई साहब को बोलेंगे हम थोड़ा सा, आप अपने अंदाज। अरमान मेरे भाई मजे कर रहे हो कि नहीं? तो भाई आवाज सुनने से पहले कमेंट करके बताना, ये आवाज इतनी दमदार है, इसको कोई माइक नहीं चाहिए इनको, मतलब जहाँ खड़े कर दो तो मैं कहता हूँ कि स्पीकर भी नहीं चाहिए। उंगलियों से पहचान पाएंगे कि नहीं? नहीं आपको दिखाऊंगा। कैसे बाबा? मैं अच्छा हूँ दादा, आप कैसे? बहुत बहुत मजे कर रहे हो, एंड मैं जब भी कोई भाई से मिलता हूँ उसको ऐसी गीली पप्पी दे देता हूँ। बस ये हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में भी, हाइट में भी, औहदे में भी। अरे नहीं यार सब नहीं, नहीं देखो तुम लोग से हम सीखते हैं भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे बाबा। तुम मोहब्बत करते हो भाई, जो तुम जिस तरीके से मोहब्बत करते हो और कोई नहीं कर सकता। बस वो अभी सामने है मोहब्बत, ये देखो। क्या बात है यार, तुम्हारे पास मोहब्बत करने दो प्यारी लड़कियां हैं, मेरे देखो मोहब्बत वाले ये लोग हैं, देखो एक दाढ़ी बना के बैठा हुआ है, एक 4 दिन से नहाया नहीं है, एक ये है यहाँ पे जो बीवी ढूंढ रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, और एक पीछे है जो वो देखो वो पीछे छुप रहा है वो। अच्छा वो छुप गया, छुप गया है वो। तो भाई एक मजेदार आज पॉडकास्ट होने वाला है, और कुछ मैं चाहता हूँ भाई कुछ अलग करना, तो आज कुछ ऐसा पूछना कि मुझे बताते हुए मजा। क्या बात है भाई, और तुम भी मुझे बताना कि कैसे
दो दो बीवियां को संभालते हैं भाई? अब दो बीवियां मुझे संभालती है, मेरी हिम्मत नहीं है। देखो इंसान एक संभालने बहुत होता है, तो उन्होंने मुझे गोद ले रखा है, तो समझ रहे हो कि वो मुझे संभालती है, मैं नहीं संभालती। तुम मुझे गोद लेना भाई, नहीं आप हमारे बड़े भाई हो। अच्छा भाई का बहुत ही कमाल का सेटअप है, और जितने भी लोग हैं सुनते हैं इनको, हर बॉलीवुड एक्टर सुनता है, तो आज भाई इनके साथ दो दो बातें होंगी और अंगार मचेगा। वेट एंड वॉच। तो गाइस अभी अभी भाई इंटरव्यू हुआ, बहुत ही कमाल का, मैंने इतने सवाल पूछे इनसे, इनसे एक भी जवाब नहीं दिया गया आज। ऐसा क्यों यार, इन्होंने ऑनेस्टली एक सवाल मुझसे पूछा था जो मैं जवाब नहीं दे पाया। पर एक चीज है, मुझे पता भी नहीं चला कि एक डेढ़ घंटा कैसे निकला, ऐसी ऐसी बातें हो गई कि पता भी नहीं चला कि कैमरास थे, इंटरव्यू चल रहा है, चैट चल रहा है। पर मेरे चैनल में देखना, और सच बोल रहा हूँ कि इन तीनों में जो दोस्ती मैंने देखी ना, वो सच बोल रहा हूँ। तो भाई अभी जाके सिद्धार्थ करण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बहुत देर से इन्होंने ना चाय पिलाई ना कॉफी पिलाई, ये क्यों किया भाई? अभी ऐसे अपने हाथों से बनाऊंगा तुम्हारे लिए चाय, अपने हाथों से तुम्हारे लिए रसम सांभर, नवरवटी सुन नवरवटी सुन मदरेड़ा, यानी कि मैं अखबार बोलू सब के बराबर। पहले मुझे ना ये रेडियो मिर्ची वाली ना आवाज सिखाओ, कहाँ से आई? पहले तो मुझे मेरे साथ एक रजनीकांत डायलॉग करेगा क्या अभी? थोड़ा ऐसे हाँ हाथ पर खेलना चाहिए, ये कैमरा है ना मेरे पास, इस वाले हाथ पे। अच्छा ठीक, ऐसे करो इधर वाले ना, ऐसे ऐसे चलो ना ना बुरदर्वा सुन्ना सुन्ना नूर दर्वा नूर दर्वा सुल्ल माद्री डाय डाय डाय। इसका मतलब है मैं अकबर बोलू वो सौ के बराबर है। अच्छा समझे, जैसे आप सॉफ्टली बोलते हो ना, एक लाइन बोलते हो सौ के बराबर है, ये रजनीकांत तलाइवा का डायलॉग है भाई। चलो अच्छा, कुछ लोगों को ना मेरी आवाज बहुत कम लगती है, वो कहते हैं यार तुम बड़ा आराम से बोलता है यार, जो मुझे सामने सुनना उनको अच्छा लगता है, फिर ब्लॉग में नहीं लगता, यार मैं भाई बहुत आराम से बात करते हो, जोर से बोला। देखो मैं क्या कहता हूँ, जो चीज आप सस्टेन कर सकते हो, जिसकी दो भी है वो जोर से बोल सकता है? कभी नहीं भाई, मेरी एक बीवी है मैं नहीं बोल पाता हूँ यार। मेरा ये जो लड़का बेचारा ये शादी भी नहीं कर पा रहा है, कब से शादी में तड़प रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, मामा हो चुका है, 50 साल का हो चुका है इसका। पर एक चीज बोलूं भाई, जो चीज नेचुरली आती है ना वही करने का यार, सॉफ्ट बस। अगर 24 घंटे में आप नेचुरली सॉफ्ट बोलते हो तो वही करो, है कि नहीं? अपने आप को चेंज करते रहे कि 10 मिनट तक सस्टेन करेंगे, उसके बाद हो ही नहीं पाएगा यार। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ जैसे मुझे ऐसे ही पसंद करो, मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही भाई। और एक चीज बोलूं मैं भाई, तुम्हें मुझे 20 रुपए देने, तुमने अभी तक दिया नहीं है। आपको देने थे जो 80 रुपए जो किराया मैं टैक्सी में आया वो 20 रुपए क्या, जब मैं रजनीकांत का डायलॉग सिखाता हूँ ना भाई, उसके 20 रुपए लेता हूँ। बात नहीं, जो रेवेन्यू आएगा उसमें से काट लेना, ट्रेंड कराओगे ना वीडियो। See you the mucha, mind it. मेरा कुछ नया आएगा ना गाना, फिर मैं दोबारा आऊंगा इंटरव्यू के लिए। पक्का भाई भाई। आप चंडीगढ़ के बात रहे हो तो? भाई तुम मुझे दिल से बुला रहे हैं? हाँ। पक्का? देखो मैं अभी ना स्किन का एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, उसके साथ साथ ना एक स्किन के पूरा क्लीनिंग कर रहा हूँ, उस टाइम आना। पक्का हूँ, दिल से बुलाया तो मैं पक्का हूँ। दिल से नहीं, मैं पूरा प्यार से, घर से, रिश्तेदारी सबसे बुला रहा हूँ। और जब मैं आऊंगा ना चंडीगढ़ में, मैं 50 रुपए लेता हूँ गीली पप्पी के लिए, वो मैं तुम्हें 10 रुपए में दे दूंगा, 40 रुपए का डिस्काउंट चंडीगढ़ में भाई, वो भी सबके सामने, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सिर्फ बीबियों के लिए, भाइयों के लिए गाल होता है। हमारे बड़े भाई, लव यू, बाय। तो भाई पायल बहुत देर से कह रही कि मेरा एक इंटरव्यू और कर दो, मेरा दिल नहीं कर रहा घर जाने का। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था और चुप होने का मन नहीं कर रहा था, और सामने से जो क्वेश्चन आ रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो भाई मैंने ना इसमें ना पायल के बहुत भेद खोले, बहुत सारी चीजें बताई है। आज एक भाई थे जो मुझे सुन पा रहे थे, और मैं खुल के बोल भी पाया। तो ये इंटरव्यू आने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको स्वाइप अप मिल जाएगा, यूट्यूब पे स्टोरी मिल जाएगी, और एक और लड़की कहाँ गई जो ना पीछे जो है, इसने इतना साथ दिया ना पूछो मत, ये तो भाई थे जिन्होंने मुझे बचा लिया, पर इनका साथ देना। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अरमान भाई मेरे घर में आके रहे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा भाई, जो ये लोग अटेंशन एक दूसरे को दे रहे ना, मैं तेरे को दूंगा भाई। भाई देखो ना मैं, मेरी आवाज कम हो जाती है, मैं बोल नहीं पाता, ये नहीं आपको सांस भी नहीं आती है, खांसी आने लग जाती है, हमारे नाम सुनते ना क्योंकि 1-2 दिन के अंदर आएगा वीडियो और दिख जाएगा, सपोर्ट करना, ट्रेंड करवाना, और इनकी जो जो दोस्ती है दिल को छू गई। थैंक यू फॉर कीपिंग इट रियल ब्रदर। तो गाइस अभी अभी जस्ट निकले हैं इंटरव्यू से, और लग रही है बहुत तेज भूख, पर यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं। तो अभी यहाँ पे देखा ये तो बार है, तो बार में तो हमें कुछ नहीं चाहिए। इधर देखे जरा दारू का अब कहाँ जाएंगे, कुछ खाना तो पूछ लेते हैं किसी से कुछ।
अगर कुछ मिल जाता है तो फिर खा के सीधा पहुंचते हैं होटल, क्योंकि होटल में अगर हम ऑर्डर करते हैं ना तो गाइस ऑर्डर होएगा आधा पौना घंटा लगेगा, वही भूख लग रही है बहुत तेज, तो छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं फिर होटल में जाके तो हम ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो भाई इस रोड पे तो हमें कुछ नहीं मिला, तो हम लोग जा रहे हैं हम दूसरी रोड पे, दोबारा गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी में बैठ के आगे जाते हुए देखते हैं हमें कोई कैफे मिल जाए। फाइनली यहाँ पे बहुत अच्छा सा कैफे दिख रहा है, बोलो मैं कर रही हूँ आ जाओ। भाई गोलगोपाल की किस्मत बहुत अच्छी है, लास्ट ऑर्डर मिला है इनको। यहाँ से क्या ऑर्डर करें बोलो, समझती हूँ पहले फिर ऑर्डर करती हूँ। रैप्स हैं बोलूँ यहाँ पे पिज्जा है। हाँ तो भाई कुछ भी हल्का फुल्का कर ले, फिर होटल जाके अपना दाल रोटी जो तुझे पसंद है ना वो खा लियो। ठीक है ओके। है ना, बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफ हो गए, थक गए हैं, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, सुबह के निकले हुए अब तक आराम नहीं किया कुछ भी। तो गाइस अक्सर क्या होता है जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना ग्रीन कलर में अगर लिखा होता है ना तो मैं सोचती हूँ वेज है, और अगर ना रेड कलर में लिखा होता है नॉन वेज है, तो ना यहाँ पे ना सब जगह ना रेड 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 लिखा था। तो पायल कहती कि ना हमें ना ये खाना है शोरमा है, तो फिर वो कुछ और था, मतलब कि ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए ये पूरा वेगन है, यहाँ पे सब कुछ वेज मिलता है और वीगन वीगन क्या होता है पायल मेरे को पता नहीं है। अच्छा दूध दही चिकन कुछ ना हो, ऑल नेचुरल, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना हो जो एनिमल्स की थ्रू यूज करी गई है, तो दैट्स कॉल्ड वीगन। कैसा आपका जूस, जबरदस्त अच्छा लगा आपको? तो भाई गोलू और पायल को खाना बहुत पसंद आ गया ना, जबरदस्त जबरदस्त। मैं तो जूस देख के समझ गया था गोलू, मैंने दोबारा जूस ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी कह रहे मैम लास्ट ऑर्डर, अब दोबारा ऑर्डर ही नहीं होगा, हमने खाना इतना कम ऑर्डर करा, पर हमें लगा कोई नहीं। एक काम करियो ना, होटल में 24 घंटे सर्विस है ना वहाँ खा लियो, पर एक काम करें पहले सुबह उठ के समुन्द्र की भी लहरें देखेंगे, समुन्द्र में नहा के, नहीं नहीं समुन्द्र में नहा के और भी रंगीन हो गई हो, वो गाना भी गाएंगे है ना। तो गाइस सच में ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता था कि इतना टेस्टी भी होता है वीगन, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया कि ये वीगन है, पनीर जो है ना वाटरमेलन सीड से बना है, मजेदार, मैंने कभी नहीं खाया था अपनी लाइफ में ऐसा खाना। और अभी मैं कल भी यहाँ पर हूँ तो कल शाम को भी यहाँ आएंगे दोबारा, जो चीज अच्छी लगती है ना वहाँ पे आना अच्छा लगता है ना। हमारी ना इस रोड पे ना मानोगे इतने सारे कैफे थे, बट सब कैफे के अंदर ना लोग ड्रिंक कर रहे थे और ऐसे मतलब कि शोर आ रहा था, हमें चाहिए था कुछ डिफरेंट। तो भाई ये क्या है फाइल, क्या मंगवाया तूने? गोलू अलग सी नूडल है ना, ये कुछ अलग सी नूडल्स है, ऐसे लग रहे जैसे पत्ता गोभी की बना रखी है। कैसी है यार, स्पाइसी है, तुमने मंगवाई थी बहुत स्पाइसी, तो वो थी स्पाइसी। तो भाई स्वाद स्वाद के चक्कर में स्पाइसी मंगवा लिया, खाया नहीं जा रहा इनसे। तो भाई एक बात सुन के ना गोलू पाल हैरान हो गए, तो सिद्धार्थ किरण के ना ऑफिस में थे, इंटरव्यू लिया जा रहा था हमारा, तो मुझसे पूछा अमन भाई तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तो गोलू पाल से पूछा, गोलू पाल कुछ बोली नहीं, तो तेरे बताओ ना अमन भाई कितना, मैंने बोला 100-200 करोड़, तेरे साल का मैं, हाँ तो मैं बोला भाई हमेशा ना इतना बोलो, अपने लिए पॉजिटिव बोलो, कभी नेगेटिव बोलो ही ना, पाल सही बोला ना मैंने? बिल्कुल सही बोला, कभी ना कभी तो इतना होगा हमारा। और क्या मैं बोलू, मैं से पूछा मैंने कहा नो कमेंट, तो पता ही नहीं है तो मेरे को, पर इन्होंने जो बोला वो मुझे समझ नहीं आया। भाई को पूरा सीरियस लगा उसमें, अच्छा भैया का कितनी बड़ी उम्र है और आ गया। तो गाइस हमने ना यहाँ पे एक पेस्ट्री मंगवाई है, हेजलनट पेस्ट्री, और मैं सही बता रही हूँ हम तीनों बिल्कुल भी फैन नहीं मीठे के, हम तीनों एक पेस्ट्री नहीं खा सकते, सही बोल रही हूँ ना, मतलब एक बाइट से ज्यादा खा ही नहीं सकते। मेरे को तो पर्सनली पहले बड़ा मीठा पसंद था, मैंने भी छोड़ दिया, आप बढ़िया लगी पर आप भी 2 ही चम्मच खा सकते हो। चॉकलेट पसंद नहीं है ना, सेम सेम, मैं तुम्हारा मूड चल रहा था इसलिए मंगवाई थी। ओ हाउ स्वीट, ये हमारा खाना वाना हो चुका, खाना तो क्या हुआ है एक रैप जो है उसमें पेट भर गया, उसमें पेट भर गया, और जो नूडल्स है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो वो हमने पूरे छोड़ दिए, और पेस्ट्री जो है पेस्ट्री के 2-2 स्पून हमने खाए, मैंने और गुलू ने और चीकू के पापा ने। और यहाँ पे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम ना अपना जीरकपुर में घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये देखो अरमान जी गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी में हाँ भाई हम मुंबई इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं होती ना तो हमें ऑटो में धक्का खाना पड़ता, फिर ऑटो मिलना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिप 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 चिप, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश का टाइम था जब हम आए, तो ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी गाड़ी, तो हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अभी अभी होटल पहुंचे हैं, चेंज किया है और हालत हो गई गंभीर, सोने का दिल कर रहा है, पाल कह रही है कि मुझे समुद्र किनारे लेके जाओ, पर हमने देखा कि अभी यहाँ से हमारी खिड़की से दिख रहा है, मतलब हमारी ये से विंडो से दिख रहा है ना, वहाँ पे एक डॉगी है ना, डॉगी का कोई बाल ना पूछ ना कोई आदमी ना आदमी की चप्पल, जो समुद्र किनारे रात को घूमने देते हैं कोई डूब डाब ना जाए उसकी जिम्मेवारी नहीं होती। अच्छा इसलिए यहाँ पे गेट वेट लगा हुआ है क्या, पता नहीं, जाने नहीं देते। और लास्ट टाइम जब हम आए थे गाइस तो इसी होटल में रुके थे, और चीकू और तुब्बा हमारे साथ थे, तो चीकू तुब्बा के साथ तो बहुत मजा एंजॉय किया था हमने। यार गोलू तूने ये स्टिक तो मंगाई थी पर ये स्टिक वो मैंने देखी थी वो ऐसे रोल ऑन होती थी, अब ये कैसे लगाऊं मैं, ये ऐसे कब तक लगाऊंगी, एक काम देख दिमाग होना चाहिए, तू बता पहले कैसे लगाई, मैं बताती ब्रश से।
तो गाइस दिमाग ये है कि पहले तो तुमने ऐसे ऐसे लगा ली, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी ना उसके बाद क्या लिए ब्रश नहीं होता हमारे घर में, सबके होता है टूथब्रश खराब हो जाते हैं तो हम वो जो खाली टूथब्रश होता है ना उसको फेंक देते हैं, फेंकेंगे नहीं इस बार, कोई टूथब्रश खराब होने तो होटल से चुरा लेती तो बोले तो अपना ही है उसको उठा के उससे सेट करेंगे। इसको बोलते हैं एहसान फरामोश, एक तो मंगवाओ ऊपर से कोई एहसान नहीं। हमने जो देखा था वो रोल ऑन वाला था ना पाल, कोई बात नहीं इसको। अच्छा ये बता इसमें हम ब्रश कहाँ तक अंदर, जब ये इतना नीचे चला जाएगा कहाँ तक डालें? गलती होगी पाल, मैंने जिंदगी में अरे बोलो कुछ ना कुछ है देख नीचे मैं गलती हो। हाँ कुछ चीकू के पापा को बोल ठीक करे ये है गोलू देख। हाँ कृतिका मलिक कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये रहा बेटा खराब मत कर देना, पीछे से कर दोगे सारे दबा दोगे। मैंने वो निकाला ना। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार बाय बाय, ध्यान रखो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम।